क्या आपने कभी अपने स्मार्टफोन में एरोप्लेन का लोगो देखा है, या फिर कभी आपने अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप के वाईफाई सिग्नल के बगल में एरोप्लेन का लोगो देखा है? क्या है इसके मायने, क्या होता है इसे ऑन करने से या ऑफ करने से, जानेंगे हम इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए अगर आपको जानना है एरोप्लेन मोड के बारे में। मैं रवि वर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ F1 टेक सपोर्ट में। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और सबसे पहले आप हमारा वीडियो देखें। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एरोप्लेन के बारे में कि जब भी हम अपने स्मार्टफोन और डेस्कटॉप या लैपटॉप के नेटवर्क्स जो होते हैं वाईफाई नेटवर्क, उसके बगल में हम देखते हैं हमें वहाँ पे एरोप्लेन का लोगो मिलता है। और जब हम अपने नोटिफिकेशन मोबाइल के नोटिफिकेशन में भी हम देखते हैं कि सेल टावर के ब्लूटूथ के अगल बगल हमें कहीं ना कहीं या सेटिंग्स में एरोप्लेन का लोगो मिलता है। तो क्या है इस लोगो का मायने, क्या होता है इससे? आमतौर पर बहुत सारे स्मार्टफोन में इसे फ्लाइट मोड, ऑफलाइन मोड के तौर पे, नाम के तौर पे जाना जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कंप्यूटर पे, तो कंप्यूटर पे जनरली ये एरोप्लेन मोड ही होता है। जब भी हम अगर फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं तो हमें वहाँ पे सख्त निर्देश दिए जाते हैं कि आप अपने फ़ोन को या तो स्विच ऑफ कर लें, या तो फ्लाइट मोड में डाल लें, या तो एरोप्लेन मोड में डाल लें। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? दरअसल होता ये है कि जब भी हम अपने स्मार्टफोन को कहीं ले जाते हैं तो वहाँ पे होता क्या है कि जो भी अगल बगल के नेटवर्क्स होते हैं वहाँ से हमारा जो फ़ोन है कम्युनिकेट करता है और सिग्नल्स को कैच करता है ताकि हमारे मोबाइल के नेटवर्क में 24 आवर और हमेशा के लिए सिग्नल बना रहे ताकि कॉल वॉल आ सके, मैसेज आ सके। तो जैसे ही हम एरोप्लेन मोड को ऑन करते हैं तो हमारा नेटवर्क से कम्युनिकेशन जो है एकदम डिस्कनेक्ट हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ब्लूटूथ, वाईफाई और आपका जो GPS है वो भी ऑफ हो जाता है। बट इसे हम सेटिंग से अनेबल कर सकते हैं, बट कम्युनिकेशन वहाँ पे पूरा बंद हो जाता है। जब हम एरोप्लेन में ट्रैवल करते हैं तो अगर हमारा फ़ोन जो है अगर एरोप्लेन मोड में नहीं होगा तो उससे होता यह है कि जो आपके पायलट्स होते हैं, उनके इक्विपमेंट्स होते हैं, आपके फ़ोन से जो तरंगे निकलते हैं, जो भी फ्रिक्वेंसी होते हैं, वो उनके जो सिस्टम है उसको डैमेज कर सकता है, जिसके वजह से वो प्लेन क्रैश भी होता है। हालांकि ऐसा बहुत ही कम देखा गया है, बट ये निर्देश दिया जाता है कि आप अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड में कर लें या फिर एरोप्लेन मोड में कर लें। इससे जो होता है क्या है कि एक तो आपका GPS बंद हो जाएगा, दूसरा कोई फ़ोन, कोई मैसेज कुछ नहीं आ सकता। अगर मैसेज नहीं आएगा यानी कि नेटवर्क का काम वहाँ पर बंद हो जाता है, आपके फ़ोन से जो भी कम्युनिकेशन होता है बंद हो जाता है, यानी कि नेटवर्क फ्रिक्वेंसी आपको कहीं से भी ना ही रिसीव होगा ना ही सेंड होगा, जिससे उनके एरोप्लेन के जो इक्विपमेंट्स होते हैं उन पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो बस यही है एरोप्लेन मोड के मायने और यही है इसका मतलब। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको एरोप्लेन मोड के बारे में जानकारी मिल गया होगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को ही बताएं F1 टेक के बारे में। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।